दीदी वो सिक्योरिटी गार्ड आ गया। हाँ ठीक है, उसे बोलो बाहर ही वेट कर। दीदी वो अच्छा बाहर वो रेड विला या कोई न्यूज चैनल वाले तो नहीं है ना? नहीं नहीं वो सब तो गेट के बाहर ही है, नेत्रा मैम ने सिक्योरिटी को बता दिया था। अच्छा किया, वेरी गुड। मैम आपका शॉट रेडी है। ओके। और बाहर वो सिक्योरिटी गार्ड? अरे हाँ पता है, रोहित ने भेजा है उसे मेरे लिए। इट्स ओके, रहने दो, तुम बस नेत्रा जी को बता देना इसके बारे में, ठीक है? कौन सा सीन कर रहे हैं अभी? सर सीन शुरू करें। बात क्या है? इससे अच्छा सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा कहीं? हाँ? रोहित तुम प्लीज हॉस्पिटल जाओ, वहां तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। एक बहुत सीनियर डॉक्टर है और वो मेरे लिए मेरा काम संभालने को तैयार है ताकि मैं फुल टाइम तुम्हारे साथ रह सकूं। अरे तुम इस तरह से अपना काम नहीं छोड़ सकते। मेरा काम है, मेरा हॉस्पिटल, मेरे पेशेंट्स, मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम? और डॉक्टर पुनीत हमेशा मेरे लिए फिल इन करते हैं जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, और इस बार तो मेरी होने वाली वाइफ, मेरी गॉर्जियस सोना की सिक्योरिटी का सवाल। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। प्लीज जाओ ना। मैं ड्यूटी पे हूं, आप मुझे निकाल नहीं सकते। मैंने कहा था सोना, मैं हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हें हर पल प्रोटेक्ट करूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा अपनी सोना को, कुछ नहीं होने दूंगा। शूटिंग स्टार्ट करो नहीं तो प्रोड्यूसर नाराज हो जाएंगे आप। ओह माय गॉड, इतना सारा प्यार यार, आजकल तो फिल्मों में भी ऐसा देखने को नहीं मिलता, रोहित और सोना की लव स्टोरी। कल के ड्रामे के बारे में मैं हर जगह सुन रही हूँ, सुबह से न्यूज़पेपर में वही पढ़ रही हूँ, पर थैंकफुली सब कुछ अच्छे से हो गया, तुम्हारी एंगेजमेंट सक्सेसफुल रही। सो हम सबकी तरफ से कांग्रेचुलेशंस टू यू, और एक छोटा सा सरप्राइज तुम दोनों के लिए। दादा जल्दी से लेकर आइए प्लीज। महेश जा रखा है। हाँ सोनाक्षी मैम आप ननन को गले लगाइए। कट, ओके, लाइट्स ऑफ। ओके थैंक यू। एक्सक्यूज मी, यस। स्क्रिप्ट देने आई है मैम, ये आपके अगले सीन की स्क्रिप्ट है,
और आपका कंटिन्यूटी वाला कॉस्ट्यूम मैंने रूम में रख दिया। वो रेडी है, चेंज करना है मुझे। हाँ चलो। जोए, चेंज करना है। तो हम कब? तुम यही रुको। काम। आप? मिला वो आदमी? कुछ पता चला? हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। घर के सारे सर्वेंट से क्वेश्चनिंग हो गई है। वहीं से हमें पता चला कि एंगेजमेंट की रात ओरिजिनल रिंग गायब थी। कमिश्नर सर को डाउट है कि वो हमलावर ही रिंग लेकर गया होगा, इसलिए हमें भेजा सेट पर पूछताछ करने के लिए। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? आप कौन? ये नेत्रा जी हैं, इस सीरियल की प्रोड्यूसर। हम इन सबसे पूछताछ करने हैं। सर, हम खुद भी चाहते हैं कि हमें पता चले कि सोनाक्षी को कौन इतना परेशान कर रहा है। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी शूटिंग चल रही है, 20 मिनट में हमारा लंच ब्रेक हो जाएगा, तो प्लीज आप 20 मिनट बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच। सुल्तान जी, हवलदार, हरी हरी, तुमने पुलिस से झूठ क्यों बोला था? क्यों उस एक्सीडेंट वाले आदमी को तुमने तो जाते हुए देखा था? मैं डर गया था यार। सच बोले तो रोहित बाबा ने ना उसकी देखभाल की ड्यूटी मुझे दी थी और मैं डांस देखने चला गया। अब वो आदमी गुनेगार है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी हो सकती है ना। रोहित, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मतलब यू नो, मेरी वजह से ये सब पहले घर पे पूछताछ हुई और अब यहाँ सेट पे। और पुलिस को तो तुम जानते ही हो ना, किस तरह से बिहेव करते हैं वो लोगों के साथ। चाहे जो भी हो, यहाँ भी सब लोग मेरे अपने हैं। बहुत खराब सा लग रहा है। हनीमून पे कहाँ चले? शादी के बाद नॉर्मल कपल्स हनीमून पे जाते हैं, इतना शॉकिंग रिएक्शन क्यों? रोहित, क्योंकि हम नहीं जा सकते। आई मीन, हनीमून का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत मुश्किल से नेत्रा जी ने 2 दिन की छुट्टी दी सिर्फ शादी के लिए। हनीमून तो पॉसिबल ही नहीं है। ये नहीं चलेगा सोनाक्षी रस्तों की, शादी हो या ना हो, हनीमून। सोनाक्षी मैम, आपकी वो रिंग मिल गई है। क्या? ये तो वही रिंग है। कहाँ मिली आपको, किसके पास थी? रवि, हम